कॉमरेड महेंद्र सिंह के 16वीं शहादत दिवस के मौके पर जमुआ चौक पर अशोक पासवान के नेतृत्व में एक मानव श्रृंखला कर कृषि कानून के विरोध में एक विशाल सभा कर कॉमरेड महेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं मुख्य अतिथि बिहार के अरवल विधानसभा के विधायक महानंद प्रसाद की उपस्थिति रही। वहीं मौके पर इंकलाबी नौजवान सभा के असगर अली, माले नेता विजय पांडे, मनवर हसन बंटी, रामधनी राउत, ललन यादव, मोहम्मद रजा, मीना दास सहित सैकड़ों माले के कार्यकर्ता की उपस्थिति रही। आज महेंद्र सिंह के 16वीं बरसी के अवसर पर आज पूरे झारखंड के विभिन्न प्रखंडों में मानव श्रृंखला का कार्यक्रम किया जा रहा है और ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान विरोधी तीनों काले कानून के वापसी को लेकर आज 50 दिन से ज्यादा दिन हो गए हैं। किसान लोग डटे हुए हैं, 121 से ज्यादा किसान लोग शहीद हो गए हैं और इस आंदोलन को इस बार जो है झारखंड में किसान आंदोलन को समर्पित ये जो आज 16 तारीख को पूरा यहाँ जो कार्यक्रम संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसको आज पूरे झारखंड के रूप में झारखंड में ये किसान आंदोलन को समर्पित है। और हम लोग अरवल से, अरवल के विधायक हैं और अरवल पूरे बिहार के विधायक आज इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। पूरे झारखंड में झारखंड के जननायक शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह के 16वें शहादत दिवस पर दिल्ली में चल रहे देश के किसान जो ये कड़कड़ाती ठंड में भी 50 दिन से बैठे हुए हैं, 121 किसान शहीद हुए हैं, उन किसानों को श्रद्धांजलि देते हुए महेंद्र जी के साथ साथ उन शहीद किसानों को भी भाकपा माले की ओर से श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। और आज ये जमुआ और पूरे झारखंड में जिस कदर किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान लाल झंडे और तख्ती लेके उतरे हैं सड़कों पर, ये उनकी जमाबंदी, उनकी गोलबंदी ही ये बताता है कि मोदी और उनके कुछ कार्यकर्ता जो देश में प्रचार करते बोल रहे हैं ये किसानों के हित में कानून है, ये गोलबंदी बता रही है कि ये किसान के विरोधी कानून है, ये काला कानून है। ब्यूरो रिपोर्ट, जे न्यूज़, जमुआ।